एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? सो टुडे वी आर हियर गोइंग टू वॉच मोनिका, ओ माय डार्लिंग, एंड इन दिस वी हैव राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे, ऑफिशियल ट्रेलर फ्रॉम द नेटफ्लिक्स इंडिया। एंड क्या बोल सकते हैं, राजकुमार राव सर इधर, हुमा कुरैशी मैम इधर, राधिका आप्टे मैम इधर, मतलब ये पोस्टर ऐसा बना हुआ है। तो देखेंगे मोनिका, ओ माय डार्लिंग, तो ये तो एक फेमस गाना है पुराना वाला, जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा। तो उसके बेस पे क्या ये कौन सा मूवी आने वाला है, और ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स से बहुत ज्यादा हम राधिका आप्टे मैम को देखते आ ही रहे हैं, तो अभी देखेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई गेस शी इज बैक, शी इज बैक विद द मूवीज, मतलब ऑन नेटफ्लिक्स। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन से, राजकुमार राव मतलब इनका कॉन्सेप्ट है चूजिंग एवरी टाइम डिफरेंट होता है, तो वो भी एक एक्साइटिंग चीज है, राइट? सो लेट्स सी हाउ दिस ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ मोनिका ओ माय डार्लिंग इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आ रही है मिस मोनिका। मिस्टर जयंत आठलेकर, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। कम हियर फास्ट। व्हाई 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 नहीं, हाउ 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 एंड दैट्स हाउ। That bitch is blackmailing me also. अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कौन अफेयर करता है? ए जय, अकाउंट्स को कम मत समझ। सिर्फ एक रास्ता, आखिरी रास्ता, मर्डर। मर्डर? ये क्या डर लग रहा है? मतलब क्या, मेरे क्या रोज का ही है? You know why my father loves you? Because you've come from nowhere and you'll do anything to make it, just like he did. मुझे सीरियसली लेना, मेरे फेस पे मत जाना। इतनी सुंदर हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ? मर्डर के टाइम पे कहा था? कितने बजे हुआ मर्डर? तो कल वाइफ पे आता तुम आज पर मर्डर की बात करें तो जी ही काटूंगा मैं। पानी में डाल देता है, पानी में डालेंगे तो बॉडी में छेद करना पड़ेगा वरना फ्लोट होगी। फिजिक्स सच होती है, सीरियल किलर नहीं हूँ मैं। एक जिंदगी काफी नहीं है, तुम तो अच्छे लोग। नाउ वी इन दिस टुगेदर ना। क्या आपने तो पूरा ऐसा क्राइम पेट्रोल बना दिया। स्टार्टिंग में लाइक ओके, ऑन नेटफ्लिक्स 11th ऑफ द नवंबर। लाइक राधिका आप्टे मैम आते ही उन्होंने बोला कि लाइक मैं खूबसूरत हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। एंड उसके बाद ट्रेलर में शी हैज बीन लाफिंग ऑल द टाइम, एंड ये ऐसा लग रहा है अंधाधुन जैसे। ऑफ कोर्स इट्स फ्रॉम द मेकर्स ऑफ दैट, तो सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग्स यहाँ पे मुझे क्या बोल सकते हैं लग रहा है। लेकिन आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू वॉच इट कि कैसा क्या लाइक स्टार्टिंग से यहाँ पे हो रहा है। लाइक हुमा कुरैशी मैन शी इज लाइक फोर्सिंग राजकुमार राव टू हाइड दैट व्हाट वी कैन से प्लास्टिक रेड बॉडी एंड ऑल दैट थिंग। तो उसके बाद जैसे सब कुछ होता है, राधिका मैम मतलब इन्वेस्टिगेशन में शी विल बी लाइक देयर, मतलब आती है एंड ऑल दैट स्टफ इज गोइंग ऑन। मतलब इंटरेस्टिंग है, प्रीटी इंटरेस्टिंग आई फील इट। एंड हुमा कुरैशी मैम एंड क्या बोल सकते हैं मिस्टीरियस जो कैरेक्टर है उनको दिया है, दैट आई लाइक मतलब लाइक लव्ड इट। एंड राधिका आप्टे मैम भाई शी इज सेइंग दैट यार मेरे चेहरे पे मत जो, मैं खूबसूरत हूँ और मैं व्हाट वी कैन से, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट सीरियस। लेकिन शी इज लाइक लाफिंग लाइक व्हाट वी कैन से लाइक एनीथिंग इन वन ऑफ द ट्रेलर। तो अभी मतलब समझे तो समझे ही क्या, उनको सीरियस समझे या नहीं है ना। ओके, एंड ऑल्सो राजकुमार राव हैज बीन फोर्स टू डू लाइक थिंग्स लाइक ही डिडंट वांटेड टू डू एंड ऑल। तो उसके बारे में ये पूरा क्या हो सकते हैं कहानी, मतलब उसके बारे में ही है। तो अभी देखिए कि कैसा क्या होगा। नेटफ्लिक्स पे आजकल बहुत सारे से इंटरेस्टिंग से मूवीज आ रहे हैं, विच आई एम
विच आई विल बी लाइक लविंग टू वॉच. और नेटफ्लिक्स पे ये वाला भी आया था एक पिछला, लाइक आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ इट. मतलब ऐसे बहुत सारे मूवीज है यार मतलब आजकल आ रहे हैं लेकिन मेरे को क्या हो सकता है दिमाग में ही नहीं रह रहा है. ओके आई हैव नॉट वॉच्ड इट, लेकिन इसका मैंने ट्रेलर देखा था, बट इट वॉज लाइक ट्रेलर अच्छा था तो मैंने सोचा कि देख लूँ लेकिन मैं भूल ही गई. कोई बात नहीं यार सच करके देख लेंगे. एंड राजकुमार राव एवरी टाइम कमिंग ऑन द स्क्रीन ब्रिंग्स लाइक न्यू कॉन्सेप्ट. लाइक अगर स्त्री मूवी हो या मतलब वो वाला मूवी जो जिसमें ये शी वॉज देयर जानवी, तो मतलब जानवी कपूर, तो वो एंड ये वाला मूवी विथ ये मूवी इतने सारे मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहे. तो ये मतलब बहुत सारे मूवीज एंड एवरी टाइम हिम कमिंग ऑन द स्क्रीन विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आई टोटली लव इट द वे ही डज इट. एंड हिज एक्टिंग, हिज कॉमेडी टाइमिंग, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, एवरीथिंग वो जिस तरीके से मतलब उनके एक्टिंग में लाइक व्हाट वी कैन से इंडल्ज करके ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू अस, मतलब एक आई जस्ट लाइक लव इट द वे ही डज इट. एंड अभी देखेंगे कि 11 नवंबर, तो आज तो कितना है 1 नवंबर है, तो 11 नवंबर को देखेंगे कि कैसा क्या सब कुछ होगा. मैं तो एक्साइटेड टू वॉच सच मूवीज यू नो. एंड यहाँ पे एक ड्रामा थ्रिलर काइंड ऑफ ये होने जाएगा. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ऐसा इन्वेस्टिगेशन मतलब स्टार्ट हो रहा है कि वो जो सब कुछ हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ राजकुमार राव जी एंड ही इज ओनली हिमसेल्फ डूइंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट. वो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसा क्या होने वाला है एंड ऑल दैट स्टफ फॉर नेटफ्लिक्स व्हाट वी कैन से 11 नवंबर को आ रहा है. एंड नेटफ्लिक्स पे आजकल जैसे मैंने बोला था कि बढ़िया बढ़िया से मूवीज आ रहे हैं, तो मैंने तो मेरे पास तो अमेजोन प्राइम तो है ही. मैंने सोच मैं ऐसा सोच रही हूँ कि नेटफ्लिक्स भी आई मतलब मैं लू मतलब क्या ही करूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ऐसा अच्छे अच्छे सीरीज तो आ ही रहे हैं आजकल. तो आई जस्ट लाइक थिंकिंग अभी तक अमेजोन तो है ही तो नेटफ्लिक्स भी ले लेंगे क्योंकि उससे अच्छा. लेकिन आजकल ऐसा भी हो रहा है कि मुझे मूवीज देखने का लाइक व्हाट कैन से टाइम एंड ऑल द काइंड ऑफ देखने का मन नहीं हो रहा है एंड टाइम भी उतना नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक चीज़ है कि मैं आई बाय इट और नॉट राइट. लेकिन मज़ेदार मूवीज है यार नेटफ्लिक्स पे भी जो अभी नए नए आ रहे हैं. आई विल लाइक लव टू वॉच, लेकिन टाइम एंड मेरी इच्छा वो भी इंपॉर्टेंट है राइट. सो दिस वन मोनिका ओमे डार्लिंग इट वाज नाइस टू वर्ड. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसा और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट. थैंक यू.